लग इन है फिर सैंड बॉसेस बना रहे हो इधर जा रहा है उधर जा रहा है एंड सम टाइम्स फॉर अ न्यू गाय इट कुड बी वेरी वेरी कंफ्यूजिंग चलो आप वो वाला फेस तो देर सवेर पार कर ही जाओगे बट दूसरा बात ये है कि एक प्लगइन ऐसा है जिसके अंदर में खटखट 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 आप सारा प्लगइन चेन एकदम बना सको और तेजी से और जो भी चीज आपको अल्टर करना हो उसी एक इंटरफेस के अंदर में आप जल्दी-जल्दी क्लिक करके यू you नो know, आगे पीछे कर सको सेंड्स uh, और रिटर्न्स जो है आपके वो मतलब पैरेलली जो भी आप सिग्नल को प्रोसेस कर रहे हो उसको करना आपके लिए आसान हो जाए है ना कि यार ये थोड़ा ज्यादा हो गया इसे कम कर दे ये एक पर्पस हो गया इफेक्ट चेंज बनाना लाइक इफेक्टेड वोकल्स और यू you नो know, हत्या कि एकदम लश ऐसा वाइट टाइप का कोई चीज़ ऐसा ऐसा बनाना हो या कोई इंस्ट्रूमेंट को यू नो लाइक आपने कोई सिंपल प्लेन इंस्ट्रूमेंट लिया है उसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट करके यू you नो know, कुछ साउंड डिज़ाइन करना चाहते हो फॉर दैट थिंग और ये सारी जो भी चीजें आप कर लेते हो उसके बाद एक बात रहता है कि आपको अगर वो प्रीसेट सेव करना हो एंड आप इवन डॉ भी चेंज करते हो अपना कंप्यूटर भी चेंज करते हो या मान लो कि मैं कोई प्रीसेट डिजाइन करता हूं और मेरे टीममेट्स में से किसी को इस्तेमाल करना हो तो बिकॉज वो एक प्लेटफॉर्म के अंदर एक चीज के अंदर मैं बन रखा है वो प्रीसेट अगर मैं उसको दूं तो ऑब्वियसली वो जैसे ही उसको लगाएगा तो सारा का सारा प्लग स्ट्रक्चर के साथ में रिकॉल हो जाएगा मजेदार बात आज के टाइम पे ये हो गई है कि ये जो प्लग है ये अब आपका थर्ड पार्टी वी एस आई प्लग को भी स्कैन करके उनको भी यूज कर सकता है फॉर इंस्टेंस अगर आप यहाँ पे चेकआउट करो ये मैंने एक इफेक्टेड वोकल का चेन बना रखा है तो दिस इज अ पैरल स्प्लिट यानी यहाँ पे मेरा पूरा का पूरा जो ओरिजिनल सिग्नल है वो चल रहा है और उसकी और एक कॉपी है तो मैंने एक सिग्नल के ऊपर में तो ये एनिग्मा वाला प्लग है इसे लगाया है और उसके ऊपर में ये पैरल जो है ये ड्राई जा रहा है नाउ ये जो ड्राई सिग्नल जा रहा है उसके बाद में ये कहाँ पर आ रहा है नीचे के स्लॉट्स पर आ रहा है तो अब मुझे जो बैलेंस है क्या एनिग्मा का बैलेंस कितना होना चाहिए अपना ड्राई सिग्नल का बैलेंस कितना होना चाहिए इसको चेंज करना या इसके बाद जो मैंने कंप्रेसर लगाया है या इसके बाद मैंने डिले लगाया है रिवॉव लगाया है कुछ भी जो भी चीज़ है मैंने ये आर चैनल लगा के ई वगैरह किया इन सब चीज़ों को करना मतलब इट कैन बी रियली हैंडी एज वेल एज अभी के टाइम पे जो मैं ये कह रहा हूं कि इफ यू जस्ट गो इन हेयर पहले तो आपको स्कैन करना पड़ेगा ऑब्वियसली वंस यू स्कैन फॉर थर्ड पार्टी प्लगिन्स आप इसके अंदर जितने भी थर्ड पार्टी वी एस टी आईज हैं उनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने मनपसंद वी एस टी आईज को तो अब अगर हमको प्लगिन्स को स्कैन करना हो तो हम यहां पर चलते हैं लेट्स गो हेयर वी एस टी थ्री स्कैन फॉर प्लगिंगस एंड लेट्स वेट फॉर समाइम क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा प्लग है मेरे पास में सो so, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी ये स्कैन कम्प्लीट हो गया है तो हम इसे डन करते हैं और उसके बाद में इन अब मुझे सारे थर्ड पार्टी आई वी एस टी आई यहाँ तो देख ही दिखी रहे देखी जो भी मेरे फेवरेट्स हैं, मैं कुछ भी इस्तेमाल यहाँ करना चाहूँ या अपने पैरल सेंट पे कहीं पे भी कुछ भी करना चाहूँ मैं सो आई कैन यूज इट इसके अलावा भी फॉर इंस्टेंस ये जो है मेरा प्री सेट जो मुझे बहुत पसंद आया मान लो सो इट्स लाइक अ लास्ट काइंड ऑफ साउंड दैट वी आर गेटिंग अब मान लो कि हम इसको सेव करते हैं स्टूडियो रेक प्री सेट्स के अंदर में जा करके सेव हो जा रहा है सो इट्स ए लाश फॉक्स समथिंग ऐसा नाम दे दिया हमने इसको एंड अब हम खोल लेते हैं लॉजिक लॉजिक में मैंने एक सिमिलर टाइप का प्रोजेक्ट खोल लिया है एंड इसके अंदर में ना ये हमारे वोकल्स रहे mm -hmm. वोकल्स को मान लो कि हम रीसेट चैनल स्ट्रिप पूरा क्लीन हो गया यहाँ पे मैं स्टूडियो रैक लगा लेता हूं अब मैं स्टूडियो रैक के अंदर में जाकर जो मैंने पिछला प्रीसेट सेव किया था उसको रिकॉल करने के लिए यहाँ फुल रीसेट पे क्लिक करता हूं

मैं यूजुअली करता हूँ कि एक क्या कहते हैं लो कट कर देता हूँ उसके लिए कोई क्यू ले लेते हैं जिससे हम लो कट कर पाए सो इट डज ऑफर सम ऑप्शंस ये रहा ये रहा या सो so, ये रहा हमारा लो कट यहाँ पे हमको फ्रीक्वेंसी दिख रही है नीचे हंड्रेड के आसपास में क्या किया तेरे बिन लागे कहीं नाउ आई वुड लाइक टू implement uh you know for instance cla3 i i think this is fine uh, Iskebad um, i would like to eq नो आई वुड लाइक टू डू आर डी एस फिर से डायनेमिक्स में चलते हैं और यहाँ पे जा करके आर डी एस आर लगाते हैं यूजअली भी यही इस्तेमाल करता हूँ वेब्स का डी एस आर इस्तेमाल करता हूँ अगर आपने देखा होगा तो मेल या फीमेल यहाँ पे लगाएंगे इसको थोड़ा इधर रखता हूँ मैं इट वर्क फ्रॉम ठीक है सौ कार्ड दे रहा है एंड फॉर इंस्टेंस लेट्स यूज समथिंग लाइक एम वी टू इसके बाद में और एक कंप्रेसर

This EQ, क्योंकि ज्यादा है इसके साथ में चलो इसको करते हैं साथिया क्या किया तेरे बिन्ना

आप मल्टी बैंड भी कर सकते हो you know. तो कोई भी सिंपल से plugin को भी आप मल्टी बैंड के अंदर तब्दील कर सकते हैं अलग अलग frequencies को आप अलग अलग तरीके से tweak कर सकते हो अब हमारे पास यहाँ पे ड्राई सिग्नल है इसे ड्राई जाने देते हैं लेट्स uh, add another. Let's add another. तो यहाँ पे मैं रखूंगा अपना reverb. For instance, let's go and put फॉर इंस्टेंस लेट्स this and have something like. चार पांच उसका एंड मे बी है प्लेट साथिया और जितना रिवॉप चाहिए उतना मेरे को ये नहीं लगा करके uh, कोई थर्ड पार्टी लगाना चाहता हूँ और यू एम रॉम फ्रॉम नेटिव इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच आई रियली डू लव चलो इसे लगाते हैं साथिया क्या किया एंड ऑब्वियसली मैं यहाँ पे डिले डाल सकता हूँ पैरल अगला प्रोसेसिंग में सो सॉरी यहाँ पे मल्टीबैंड गलती से क्लिक हो गया है हुड नेम ऑफ दिस प्लग इन ओके नाउ लेट्स गो डिले एच डिले एंड पिंग पॉन्ग वन एथ एन लॉग ऑफ ठीक है वेट हमें हंड्रेड परसेंट पे रखना क्योंकि ये पैरेलल प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे जो भी हम कट करते हैं साथिया, साथिया क्या किया तेरे बिन दिस वर्क्स वंडर्स राइट कितना बेहतरीन पिंग पॉन्ग डिले आ रहा है फॉर इंस्टेंस uh, जैसा कि mm, मुझे डिले में भी यू you नो know, uh, कोई अगर मैं थर्ड पार्टी डिले इस्तेमाल करना चाहूँ फॉर इंस्टेंस डिले इटर्निटी

एंड ऑबियसली वोकल मिक्सिंग के नाम पे अगर मैं ये सांस को थोड़ा काट दूं या इसका गेंद थोड़ा ट्रिम कर दूं एंड देन डू अ सिंपल क्रॉस फेड तो ज्यादा फायदेमंद हो सकता है क्या किया तेरे डिलीट ही कर देता हूँ यू नो लाइक दिस काइंड ऑफ स्टफ सो दिस इज अ वे ऑफ हाउ यू कैन बिल्ड लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ चेंज आई होप दिस वीडियो हैज़ बिन हेल्पफुल टू यू एंड आपको पता है कि अगर आपको एक्स्ट्रा वेव्स का टेन परसेंट एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए जो भी उनका करंट डिस्काउंट चल रहा है उसके ऊपर में सो व्हाट यू कैन डू इज जस्ट सिंपली वो नीचे जो लिंक होगा उससे क्लिक करके जाएंगे और उसके बाद में जो कूपन कोड मिलेगा उसको डालेंगे एंड यू आर गुड टू गो थैंक्स फॉर बिंग अ पार ऑफ दिस मिशन टू बी अ बेटर म्यूजिशियन एवरी डे विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए क्या जाओ जाके म्यूजिक बनाओ